श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य कहानी दुख का अधिकार। मनुष्य के जीवन में यानी पोशाक का बहुत महत्व है, यानी कपड़ों का बहुत महत्व है। इस कहानी में लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वासों, जाति भेद, वर्ग भेद आदि को दर्शाया है। आइए हम पहले लेखक के बारे में जानेंगे। यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार है कहानी का नाम। आइए हम यशपाल जी के बारे में जानेंगे। यशपाल का जन्म फिरोजपुर झावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा तो लाहौर में पाई। आरंभिक का मतलब यानी प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने अपनी स्थानीय स्कूल में किया और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन उन्होंने लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल में से ही क्रांतिकारी गतिविधियों यानी क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जुट गए थे यानी शामिल हुए थे। अमर शहीद भगत सिंह, आप जानेंगे भगत सिंह के बारे में, और इसके साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यानी फ्रीडम फाइट में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां यानी रचनाएं हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी भात, ये तो उपन्यास है, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सब कहानी संग्रह है, और सिंहावलोकन, ये तो आत्मकथा है। आप जानते हैं उपन्यास क्या है, आत्मकथा क्या है। मेरी तेरी उसकी भात, इस पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथारस सर्वत्र मिलता है, यानी कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा इस समाज में जो भी अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दर्शाया है। इसमें तो बहुत खूब है दर्शाने में। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य यानी आयानी स्टोरीज, इनके कहानियों की विशेषताएं हैं। आइए हम देखेंगे कहानी क्या है। इंसान की जिंदगी में पोशाक की बहुत महत्व है। इस बात तो सच है कि लोगों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है। पोशाक लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है, जिससे मनुष्य की दर्जा यानी अपना पोजीशन पता चलती है। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। श्रेणी का मतलब यानी स्टेटस। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार यानी उनका राइट्स, उसका दर्जा यानी उसका पोजीशन यानी क्लास निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी ही भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द लोअर पीपल आल्सो, सो ही नीड टू से इस। उस समय में यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। When you dressed up neatly and when you want to talk and when you want to understand something about some people, and when this your own dress becomes the hindrance for you. So here he says that samaj mein manushya ka adhikar to uska darja to poshak hi nishchit karti hai. So ye bhi adchan ka ek wajah ban jati hai. Jaise vayu ki lehre kati hui patang ko sehsa bhoomi par nahi gir jane deti. Aapne dekha hoga यानी कटी हुई पतंग वायु की जैसे यानी लहर से इधर उधर वो भटकता ही रहता है, उसे गिर जाने नहीं देती। उसी समय यानी उसी तरह खास परिस्थितियों में यानी विशेष परिस्थितियों में हमारी पोशाक यानी हमारे कपड़ों हमें झुक सकने से रोक सकती है। यानी आप यानी विवाह संदर्भ में यानी अच्छे पोशाक पहन के जाते हैं तो आपकी मर्यादा तो बढ़ जाती है, परंतु ऐसा नहीं जाने से क्या होगा, आपका सम्मान यानी सम्मान तो वहां पे नहीं मिलता है। सो पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। आइए कहानी क्या है हम देखेंगे। यहाँ पे बाजार में फुटपाथ पर
कुछ खरबूजे डलिया यानी बास्केट में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए, बिक्री का मतलब सेल के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। आप इस पिक्चर में देखिए तो एक उम्र औरत यानी अधेड़ उम्र की औरत यानी ओल्ड लेडी तो बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। आपने देखा होगा यहाँ पे ये औरत, आप इनकी पोशाक तो कैसा है, इन्हीं की वजह से यहाँ पे मार्केट में कुछ खरबूजे लेने के लिए तैयार नहीं है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे पफक पफक कर रो रही थी। शी वॉज जस्ट क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वील जस्ट सी फाइंड आउट दी रीजन, पर कारण क्या है हम आगे देखेंगे। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठा या बाजार में खड़े लोग घृणा से, घृणा का मतलब नफरत से, उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। एंड यू नो दैट द पीपल विल गॉसिप हियर आल्सो, पड़ोस की दुकानों पे वहां पे बैठे हुए लोग तो यानी इसी स्त्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे या घृणा से, नफरत से। उसी स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा, व्यथा का मतलब पीड़ा सी उठी, और उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। यहाँ पे लेखक तो कहते हैं कि यहाँ की मन ही मन कहते हैं कि रोने का कारण पूछने यानी उसका उपाय तो क्या है, आइडिया क्या है, कैसे पूछना है, ये सब सोचता रहता है यानी लेखक। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान, व्यवधान का मतलब बंधन यानी अड़चन बन कड़ी हो गई। इट बिकम्स हिंड्रेंस फॉर हिम हिज ओन ड्रेस। ओके, ही हैज ड्रेस्ड अप नीटली। इफ समबडी सीज दैट, इफ ही गोज देयर एंड नियर बाय दैट लेडी, इफ ही टॉक्स देयर, नो समबडी विल से थिंक समथिंग। सो ये सब मन में रखते हुए वो तो कहता है कि इन्हीं की पोशाक है, व्यवधान बन कड़ी हो गई है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, थूकना का मतलब स्पिटिंग, थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन तो नहीं बीता और ये बेहया यानी बेशरम से दुकान लगा के बैठी है। यहाँ पे बिना शर्म से वो औरत तो यहाँ पे दुकान लगा के बैठी है परंतु लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता, ये बेशरम दुकान लगा के यहाँ पे बैठी है। दूसरे साहब, मार्केट में कई तरह के लोग आते जाते रहते हैं और ये तो गॉसिप भी करते रहते हैं। यहाँ पे एक यानी पड़ोस के दुकान में जो लोग होते हैं वो घृणा से इन ये औरत के बारे में कुछ कहते यानी थूकते हुए कहते हैं कि ये जमाना क्या है, मरे हुए पूरे दिन भी नहीं बीता है परंतु ये तो बेशरम बिना शर्म से यहाँ पे दुकान लगा के बैठी है। और दूसरा है वो तो क्या करता है या क्या कहता है, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसे नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है, यानी यहाँ पे अल्लाह भी उसको यानी दैट इज इवन द अल्लाह विल नॉट फॉरगिव, सो ही सेज लाइक दैट। सो व्हाट इज बिहाइंड दैट वी विल सी। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से, यू नो दैट मैचस्टिक विद दैट नो, कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, एक कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, यानी रोटी दैट इज फूड इज एवरीथिंग फॉर देम, ओनली फॉर दैट दे डू व्हाटएवर दे लाइक, ही सेज लाइक दैट। ये तो कमीने हैं, रोटी के लिए तो जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब तो रोटी का टुकड़ा ही है, सब तो फूड के आधार पर ही होते हैं। परचून की दुकान यानी रेशन की दुकान भी होता है वहां पे मार्केट में बैठे हुए लोग तो कहते हैं कि अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, मरे जिए का मतलब मरना जीना दोनों एक ही है, इसका मतलब ही नहीं है, इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना यानी ख्याल करना चाहिए। दैट मीन्स वी नो प्रिटी वेल दैट वी फॉलो सम कस्टम्स, दैट इज मरने के बाद 13 दिन का सूतक तो रखना तो आवश्यक है, परंतु यहाँ पे दूसरे दिन ही यानी बेटे के मरने के दूसरे दिन ही वो तो वहां पे खरबूजे बेचने के लिए मार्केट पे आई है वो औरत। सो औरत के बारे में तो कई तरह के लोग कई बातें तो करते
रहते हैं, इनके लिए तो धर्म ईमान की बात ही नहीं है, तो हमारा क्या है? हम तो उसका ख्याल करना आवश्यक है, जरूरी है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक तो होता है, वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है, यानी औरत के बारे में थुथुकते हुए सभी वहां पे जो भी लोग हुए हैं वो तो ये तरह की बातें करते रहते हैं। 1000 आदमी तो आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। यहाँ पे मार्केट आप लोग जानते हैं कि 1000 आदमी तो आते जाते हैं और कोई यानी औरत के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। इनके घर में तो सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा? ये हम पे सूतक यानी 13 दिन का तो मॉर्निंग तो रखना पड़ता है, परंतु अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति तो अच्छा नहीं है इनके लिए, यानी बहू और पोता पोती यानी उनको खाना देने के लिए तो क्या करती है, मार्केट में आके खरबूजे बेच कर उस यानी वो पैसा आता है ना उससे वो तो परिवार को यानी चलाना चाहती है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उनका धर्म ईमान तो कैसा रहेगा? क्या देर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। यानी यहाँ पे लेखक तो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर उनको पता लगा कि 23 बरस का जवान लड़का था, नाम था भगवाना। घर में उसकी बहू पोता पोती यानी ग्रैंड चिल्ड्रन आर आल्सो देयर, और घर में बहू यानी डॉटर इन लॉ भी देयर। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कचियारी यानी वहां पे वो तो कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, एंड ही डस सम एग्रीकल्चर वर्क एंड अपना परिवार का निर्वाह भी करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठा जाता, कभी माँ बैठ जाती, यानी मार्केट में बेचने के लिए यानी कई कभी तो लड़का भी जाता है और कभी माँ भी जाती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे भेलो, भेलो का मतलब अर्ली मॉर्निंग है, भेलो में से पक्के खरबूजे चुन रहता था, यानी यू नो प्रिटी वेल दैट विच विल बी वेरी गुड फॉर सेलिंग, सो यू आर जस्ट सिलेक्टिंग दैट। गीली मेड की थरावट में विश्राम करते हुए यानी आराम करते हुए उन्होंने एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, एंड जस्ट ही हिट दी सांप, सांप ने लड़के को डस लिया, एंड हिट सांप तो डस लिया है उनको। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, बावली का मतलब पागल होकर, तो ओझा जाड़ फूंक करने वाला देशी वेद को बुला लाई। यू नो प्रिटी वेल दोज डेज नो दे विल जस्ट कॉल द पुजारी फॉर एवरीथिंग इन द विलेजेस एंड आल्सो लाइकवाइज हियर आल्सो ते बुढ़िया तो बावली होकर वो तो जाड़ फूंकने वाला उसको बुला लाई, ओझा को बुला लाई, और जाड़ना फूंकना हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई, और पूजा के लिए तो कुछ दान दक्षिणा तो देना पड़ता है, जो भी घर में तो आटा अनाज था वो दान दक्षिणा में तो वो दे दी। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो तक एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी वो मर गया अभी, ये सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, पूरा तो उनका बदन, बदन का मतलब शरीर तो पूरा काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? नंगा का मतलब नेकेड, जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे, मुर्दे का मतलब डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी को कवर करने के लिए तो कफन तो रखना पड़ता है। यू नो दैट द डेड बॉडी इट विल बी कवर्ड विद द व्हाइट क्लॉथ, इट इज कॉल्ड द कफन इन हिंदी। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के चन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए, जो भी उसके हाथ में थे वो तो बिककर वो भगवाना के लिए तो अंतिम क्रिया यानी अंतिम क्रिया करना चाहती थी। भगवाना तो अभी परलोक चला गया, उनका निधन हो गया, घर में जो भी कुछ चूनी भूसी थी यानी लॉस्ट थिंग वॉट एवर इट इज देयर शी जस्ट सोल्ड एंड जस्ट शी वॉज सेंडिंग ऑल दिस शी वॉज स्पेंडिंग फॉर इस सेरेमनी यानी विदा करने में तो पूरा चली गई।
बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। एंड द चिल्ड्रन दे माइट नॉट नो दैट वेदर द फादर इज देयर और नॉट देयर, दे वर क्राइंग क्राइंग क्राइंग, यानी भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजों दे दिए, लेकिन बहू को क्या देते, यानी दादी तो पोता पोती के लिए तो खाने के लिए खरबूजे देती थी, परंतु बहू के लिए तो क्या देती। बहू का बदन यानी उनका शरीर तो बुखार से थवे की तरफ तप रहा था, लाइक अ थवा, इट इज जस्ट द हीट इज लाइक अ थवा, एंड जस्ट दे आर कंपेयरिंग दिस। अब बेटे के बिना बुढ़िया को धुवनी चवनी भी कौन उधार देता है, एंड नो बडी इज देयर टू गिव मनी फॉर देम टू लीड दी फैमिली। सो बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बठोरे हुए खरबूजे ढलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर दैट बुढ़िया, दैट इज नो अदर गो, ओके, एंड शी कैनॉट इवन मोन, शी कैनॉट इवन कीप मोन फॉर द इज ओन सन, दैट इज भगवाना तो भी मर गया, भगवाना तो भी नहीं है, उसका निधन हो गया, परंतु घर वालों को संभालने के लिए, पोता पोती और परिवार को संभालने के लिए वो तो क्या करती है, भगवाना जो भी बठोर में खरबूजे तो यानी रखे चला गया, उसको डलिया में समेट कर वो बाजार में अभी चली गई। और चारा भी क्या था, अभी कोई उपाय नहीं है उससे, उसके अलावा उनके लिए। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। नाउ द लेखक इज कंपेयरिंग दैट the old lady who came here for the market to sell the karbuja, यानी यहाँ पे जो बुढ़िया अपने यानी बेटे के मरने के यानी अगले दिन ही वो खरबूजे बेचने के लिए तो बाजार आती थी, परंतु यहाँ पे पड़ोस में जो पुत्र वियोग में होती है यानी दुखी माता की बात को सोचने लगा अभी लेखक ने। संभ्रांत महिला यानी धनी है वो महिला, पुत्र की मृत्यु के बाद अढ़ाई मास यानी 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी, एंड शी कुडंट इवन गेट अप। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, यानी शी फेंट्स, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, यानी वो तो फफक फफक कर रो रही थी, अपने बेटे को खो दिया, परंतु वो संभ्रांत महिला घर में बैठ कर अढ़ाई मास तक वो पलंग से न भी उठ सका और 15-15 मिनट पर वो मूर्छा भी आ जाती थी, और इसी अवस्था में वो तो आंसू को न रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम यानी उनके ख्याल के लिए तो बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी, यानी बर्फ आप जानते हैं बुखार के लिए तो बर्फ तो सिर पर रखने से तो क्या होता है, बुखार तो कम हो जाता है। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, यानी पूरा शहर इन्हीं की बातें पर यानी द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, यानी कोई उपाय नहीं मिलता तो इसका कदम तो तेज हो जाता है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चल तो से टोकरे का था, मैं चला जा रहा था, सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने का मतलब शोक मनाने के लिए भी सहूलियत, यानी सहूलियत का मतलब अधिकार चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ पे संप्रांत महिला अपने बेटे को खो दिया, फिर भी वो पलंग से न उठती है, न खाती है, न पाती है, यानी न पीती है। डॉक्टर तो हरदम यहाँ पे उनकी देखभाल के लिए है, और सिर पर बर्फ भी रखी जाती है, परंतु वहां पे वो बुढ़िया है, आर्थिक स्थिति के कारण वो तो क्या करती थी, वहां पे बाजार में खरबूजे बेचने के लिए तो वो वहां पे मार्केट पे आए। सो यहाँ पे दर्जा यानी ऊंच नीच यानी वर्ग भेद को लेखक ने दर्शाया है। यहाँ पे इंसान की जिंदगी में पोशाक की बहुत महत्व होता है, और यहाँ पे इन्हीं की पोशाक यानी लेखक की पोशाक तो अड़चन बन गया वो बुढ़िया की हालत को पूछने में। और पोशाक तो लोगों की अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है, जिससे मनुष्य की दर्जा तो पता चलती है। यहाँ पे शोक मनाने के लिए और गम मनाने के लिए भी एक तो अधिकार होता है, यहाँ पे धनी लोगों को वो अधिकार मिलता है,
परंतु गरीब लोगों को अधिकार तो नहीं मिलता है आर्थिक स्थिति की वजह से। धन्यवाद बच्चों।